हेलो, इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमेट्रिक रेशियोज के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों के हेल्प के लिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में और समझने में आसानी हो, मैंने आपका जो टेबल है वो मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया है, सो दैट इजीली यू कैन लर्न हाउ टू पुट अप दीज वैल्यूज। अभी क्वेश्चन में देखा है, आपको कह रहा है इवेलुएट करना। दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, जो कि मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस 4 × 10² 30 डिग्री, इस तरीके से दिया हुआ है। अभी हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, यहाँ देखो स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक चीज का ध्यान देना, अगर √2 का स्क्वायर होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट 2 आता है। अगर आपको √x दिया रहेगा और उसका स्क्वायर अगर आपसे पूछेगा, उसका रिजल्ट क्या होता है, एक्स होता है। तो ये ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। अभी देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, साइन यहाँ पे है फर्स्ट रो में, 30 डिग्री आपका सेकेंड कॉलम में है, मतलब 1/2। आप कर दीजिए साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। कॉस 45 डिग्री, कॉस यहाँ है आपका सेकेंड रो में, 45 आपका थर्ड रो है, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू आपको चाहिए। कॉस 45 मतलब 1/√2 है टेबल के अनुसार, तो आप कर दीजिए 1/√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कर दीजिए 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस प्लस 4 है तो 4 कर दीजिए, 10² 30 डिग्री, 10 इधर है, 30 डिग्री यहाँ पे है, मतलब 1/√3। आप कर दीजिए 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन फर्स्ट रो में 90 डिग्री, मतलब 1 आपको रखना है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री है, है ना, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट आपका लास्ट में, 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे आपका इस ये वैल्यू आएगा 1/√3। आप कर दीजिए इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर, अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 × 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर, ऊपर में 1 आएगा, √2 का स्क्वायर मैंने अभी बताया है क्या होता है, 2 होता था आपका, 2 आ जाएगा, प्लस 4 × 1/√3 है, तो ऊपर में 1 का स्क्वायर 1 और नीचे में √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 1/2 आपका पहले से है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस 1/8 × 1/√3 का स्क्वायर है, मतलब ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में आपका 3 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई फिर से कर लीजिए, आपका ऊपर में 1 नीचे में 8, 1/8 हो जाएगा, प्लस 4/3 आपका हो जाएगा, 4 × 1 4/2, प्लस 1/2 हो जाएगा, और लास्ट वाला टर्म जो है 1/8 × 3 = 24 हो जाएगा, तो आप 1/24 लिख दीजिए। अभी आप देख सकते हो इसका एलसीएम क्या होगा, आपका 24 होगा, तो आप 24 ले लीजिए एलसीएम, 8 × 3 = 24, तो आप 3 दे दीजिए, 3 × 12 = 3 8 = 24, 8 × 4 = 32 आपका आ जाएगा, 2 × 12 = तो आपका 12 आएगा, 24 × 1 = तो 1 आएगा। आप ऐड कर दो ऊपर वाले टर्म को, 35 और 47 = 148 आ जाएगा, 48/2, आप 48/24, आंसर विल बी 2। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को इजिली विद द हेल्प ऑफ टेबल सॉल्व कर लिया है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, या मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं इस टेबल को, वो भी मैंने बताया है, यू कैन सी दैट।
अभी देखो सेकेंड क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करते हैं इस टेबल को यूज करके। 10:30 आप देख लीजिए, 10 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है सेकेंड रो में। 10:30 का मतलब ये आपको रखना है, आप रख लीजिए 1/√3। कोसेक 60, तो कोसेक 60, कोसेक यहाँ पे है, 60 आपका यहाँ पे है, तो आपका ये वाला आएगा 2/√3, आप कर दीजिए इंटू 2/√3 प्लस 10:60, 10 आपका है थर्ड रो में, 60 में तो √3 आपका आएगा, आप लिख दीजिए √3। सेक 30 इंटू सेक 30, सेक कहाँ पे आपका फिफ्थ रो में है, 30 आपका 2/√3 होता है, आप लिख दीजिए 2/√3। अभी आप ऊपर में हो जाएगा 2 into 1 2, और नीचे आपका √3 into √3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस देखो आप √3 ऊपर में है और √3 नीचे में है, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 2। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या लोगे, 3 लोगे एलसीएम, 3 1 3 मतलब 2, प्लस 3 2 6 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6 + 2 8/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में कर लीजिए, धन्यवाद, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दैट अभी आप इस तरीके के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा दैट यू कैन सॉल्व। थैंक यू सो मच, गुड गुड डे, टेक केयर, बाय।